आज विश्व भर में विश्व नींद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जालंधर के रंजीत अस्पताल के प्रसिद्ध छाती और निद्रा संबंधी सलाहकार और साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटी ऑफ स्लीप मेडिसिन के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच जे सिंह ने निद्रा संबंधी बीमारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद का मुख्य कार्य ऊर्जा का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि सबसे आम नींद संबंधी विकार अनिद्रा यानी साउंड स्लीप की कमी और स्लीप एपनिया है। ऐसा संदेह है कि भारत में लगभग 30 से 35 मिलियन लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जो नींद संबंधी विकारों का एक प्रमुख कारण है। इस दौरान उन्होंने इस संबंधी पत्रकारों को और भी जानकारी प्रदान की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज असी सारे विश्व भर के वर्ल्ड स्लीप डे मना रहे हैं और जिमें कि जानते हैं आप कि नींद जी वास्ते बहुत जरूरी है। तुम इमेजिन करो जो बंदे नींद ना आती हो तो वह हाल क्यों होगा, क्योंकि नींद एक इदां दी अवस्था है साढ़े जीवन दे विच जिहड़ी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन्ना दिन भर असीं काम करते हैं सारी एनर्जी जिहड़ी है वो नींद दे विच साढ़ा जिहड़ा ब्रेन है उहदे विच एनर्जी रिस्टोर होंदी है और असीं उह दूजे दिन जिन्ने भी काम एक्टिविटी करते हैं अगर साडी नींद चंगी तरह आई होवे तो वह असीं अपनी दिन भर दी जिहड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो तुम आम देखा होना कि पेशेंट्स कई साढ़े को आते हैं जिन्होंने नींद बिल्कुल नहीं आती और वो सारा दिन निटाल रेंगे है। ईवन तुम आप ही सोच के देख लो कि जिस दिन सानू नींद नहीं आती तो सारा दूजा दिन किदां निकलता है। सो अज का दिन जरा इंपॉर्टेंट है साढ़े वास्ते लोगों को यह दसना कि नींद दी बीमारियां और वास्ते किदां आपां अवेयर करना, क्योंकि ये जी नींद वाली बीमारियां मोस्टली इग्नोर्ड है या अपने लोगों का अवेयरनैस प्रॉपर नहीं है और अपना इलाज वो एक नॉन स्पैशलिस्ट डॉक्टर को चलाए जाते हैं। देखो साढ़े को जो रंजीत हॉस्पिटल के जिदा के पेशेंट आते हैं स्लीप स्पैशलिस्ट साढ़े को दो तरह के पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं। एक तो वो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती इनसोमनिया की बीमारी उन्होंने असं इनसोमनिया कहते हैं। दूजे जो पेशेंट है जिस कि एज ए चेस्ट फिजिशियन असं बहुत सीरीयसली कंसर्नड हाँ वो बीमारी है एक स्लीप एपनिया नाम की बीमारी जिसे कि जिन्हों असी इन्ने साल तकरीबन 30 साल तो सूँ यदा इलाज करद हो गए वो मरीज़ जड़े वो बंदे जिन्हों घुराले बहुत जोर दी आते हैं और घुराले मारते मारते राती दिन दे रात के टाइम रुक जाते हैं फिर शुरू होते हैं। ये एक गंभीर बीमारी का एक सारन बज रहा होंगे और उस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया। ये बीमारी जैसे कि आम असं आम देखे कि साढ़े को पेशेंट आते हैं आके दसते हैं भी डॉक्टर साहब रात घुराले बहुत ज़्यादा बजते हैं या पेशेंट आके दसेगा कि मेरे वाइफ नूं आती है या वाइफ मैंने दसे कि मेरे हसबैंड नूं इन्ने ज़्यादा घुराले बजते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है और असं वह पेशेंट नूं हमेशा ये नाल दे जिहड़ा अटेंडेंट हुंदा उन्हूं पुछना पैंदा है कि बेटे जिहड़े तुहाडे घुराले बजते हैं लगातार बजते हैं ये विच गैप पैंदा है तो ये मोस्टली सानू जवाब मिलता कि ये गैप आ जाता है पिछों थोड़ी देर चुप कर जाते हैं फिर घुराले बजते हैं। एक गैप इस करके बन जाता पै जाता है कि साडा साह का रस्ता बंद हो जाता है और वह साह का रस्ता जिहड़ा बंद होंदा है साह बंद होंदा उन्हूं असीं एपनिया कहिंदे आ। सो ये रात नूं जदों साह का रस्ता बंद होंदा है तो बॉडी दे विच जिहड़ी फेफड़ियां साडे ऑक्सीजन देण दा काम करदे आ साडे फेफड़ियां च हवा नहीं जाती ऑक्सीजन का लैवल बहुत ज़्यादा घट जाता है। नॉर्मली जरा आप ब्लड लैवल्स में देखिए ऑक्सीजन का तकरीबन 95 से 100% तकरीबन ऑक्सीजन चाहिए है पर वो मरीज़ जिन्हें घुराले बहुत ज़्यादा बजते हैं या वो इस बीमारी ग्रस्त हैं स्लीप एपनिया की बीमारी उन्होंने जो असी रात के टाइम असी इनू डायग्नोज करने वास्ते स्लीप टैस्ट करते हैं पॉलीसोमनोग्राफी जिन्होंने कहते हैं जी साढ़े कोल रंजीत अस्पताल ने मैं दर्शकों को दसना चाहवागा रंजीत हस्पताल ने यह वाली बीमारी जी अवेयरनैस फस्ट टाइम जी है 1997 तो जी पहली स्लीप लैब लगी सी नॉर्थ इंडिया दे विच सबसे पहली स्लीप लैब रंजीत हस्पताल से लगी सी और उदों दे असीं लोगों को दस रहे हैं कि यह बीमारी है भाई
ये कोई हासे का विषय नहीं है, क्योंकि आम देखिए कि घुराड़े मारते बंदे देख के लोग हस जाते हैं, हस पेंदे है, या बंदा बस से ट्रैवल कर रहा, गड्डी ट्रैवल कर रहा, लोग हसी जाएंगे, या इस बीमारी हासे हासे टाल टाल देंगे है। जबकि ये वाली जी बीमारी है इस नाल इन्नी सीरियस प्रॉब्लम है जिद कि ना केवल साढ़े फेफड़े अफेक्ट करती है, ये बॉडी के सारे ऑर्गनस न हार्ट न ब्रेन न हार्ट जिन्हों हार्ट न ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो हार्ट फेल हार्ट कम नहीं कर पाता, हार्ट फेल हो जाता है, जिन्हों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सारे को पेशेंट्स आते हैं, या ब्रेन ऑक्सीजन नहीं मिले तो ब्रेन के अटैक हो जाता, स्ट्रोक के पेशेंट जोड़े है वो भी स्लीप अपने के नाम की बीमारी है। ईवन आम वाली जी स्लीप अपनिया की बीमारी है ये तो जे सैक्सुअल ऑर्गनस भी काम नहीं कर पाते हैं, और इनफर्टिलिटी का एक मेन जी रीज़न वो भी एक स्लीप अपनी नाल बीमारी है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तकरीबन कोई भी ऑर्गन नहीं बचा जिसे कि आ वाली बॉडी ये जी बीमारी अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हर ऑर्गन ऑक्सीजन चाहिए है, और रात के टाइम ऑक्सीजन के लैवल बहुत घट जाते हैं, तो जरा जिमें कि सारा ब्रेन भी सुस्त पै जाता है, और हार्ट भी सुस्त पैंता, हर जरा ऑर्गन है साड़ा बॉडी का, ईवन गुरदे साढ़े गुरदे गुरदे फेल होने भी चांस है, इदा के प्रॉब्लम नेफ्राइटिस या नफ होर किडनी की जड़िया बीमारियां वह भी कारण जरा स्लीप अपनी है। सो और दूजी गल है कि ये जी हाइपरटेंशन के जो सारे को ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं उन्होंने असी यह देखिए कि तकरीबन 40-50% पेशेंट ब्लड प्रेशर के वो मरीज जो दवाइया लै रहे हैं उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जो उन्होंने आप हिस्टरी लीए उन्होंने पेशेंट में देखिए कि हाँ भाई यदा रूट कॉज की है, तो वह भी असी यह देखिए कि स्लीप अपनिया जरा रूट कॉज निकलता है, और जो असी इस बीमारी का इलाज कर दें तो सारा कंट्रोल हो जाता है। सो मैं ये दसना चाहूँगा कि रात के टाइम तो ऑक्सीजन लैवल घट जाता है, तो जो दिन के टाइम जो बंदा पेशेंट उठता है तो उन्होंने घुराड़े मारने वाला बंदा आम देखे कि वह बैठे बैठे सौ जाते हैं, साढ़े को आएगा पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो रात घुराड़े बहुत बजते हैं, दिन के टाइम नींद इन्नी ज़्यादा आती है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाता।